हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम करने वाले वर्क एंड एनर्जी, आज इसका लेक्चर नंबर 2। आज हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसकी वीडियो को। पहले हम जान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमने लैपटॉप की स्क्रीन से पढ़ाया था, वो है क्या कहते हैं, बोर्ड पे नहीं पढ़ाया था। तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपको क्या कहते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे। आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, CBSE 9 फिजिक्स आप क्लिक करना, वर्क एंड एनर्जी का पहला लेक्चर आपको मिल जाएगा। उसमें हमने वर्क डन पढ़ा था। आज हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, क्या होता है जानते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है, वर्क करने की कैपेबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल, जूल्स। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जे से, कैसे, जे से। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं क्या होती है ये। उस पर मैं आपको बता दूं कि वर्क क्या होता है। वर्क एक कार्य होता है, कार्य होता है जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जिसमें फोर्स आपका बल लग रहा हो और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी लग जा रहा हो, उसे हम वर्क डन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, WD = F×S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए अब हम पढ़ते काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी को की डेफिनेशन को जानते हैं, क्या होती है इसकी डेफिनेशन। एनर्जी एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी होती है कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा जो कि मोशन करे, उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कार है, ये कहाँ से ए से बी तक जा रही है, ये क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, ये कोई फोर्स भी लगा रही नहीं है, इसको हम काइनेटिक एनर्जी में कहेंगे, फोर्स भी लगा रही है। व्हेन द कार मूव्स विद ग्रेटर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स इज मोर। जब कार की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उस बॉक्स की, जब कार की वेलोसिटी ग्रेटर वेलोसिटी होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट की, तो बॉक्स क्या होगा, ज़्यादा मोर डिस्प्लेसमेंट के साथ आगे जाएगा। तो ये दिया है हमें यहाँ पे, ये नोट कर लीजिए आप, ये इसको ये आपके लिए। अब द काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी इज डाउन। आप काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, वेलोसिटी ऊपर को जाएगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा उससे। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल वेलोसिटी। आई थिंक आपको अगर ये पॉइंट मस्त अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अभी इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आई थिंक ये प्रीमियर चल रही होगी तो आप लाइव चैट में मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है। अब हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। चलिए दोस्तों अब हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को जानते हैं, क्या होती है इसकी डेफिनेशन। तो उसकी डेफिनेशन होती है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन और कॉन्फिग्यूरेशन रिलेटिव टू द अदर ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो उसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन पे क्या एनर्जी लगा रही है, तो रिलेटिव टू द अदर ऑब्जेक्ट, उसके अदर ऑब्जेक्ट के बजाय वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है PE = mgh। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये मैंने आपको बता नहीं पाया सॉरी, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv². तो अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। जब सेम वर्क लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम हो जाएगा। तो अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, ये आया रहा है आपके सामने न्यूमेरिकल। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं न्यूमेरिकल जो कि आपको दिया है बोर्ड पे। ए मूविंग बॉडी ऑफ मास 30 kg हैज 60 joules ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द स्पीड। इसमें हमें क्या दिया है, एक
मूविंग ऑब्जेक्ट दिया है जिसका मास कितना है 30 किलो और उसका काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसकी, कितनी है 60 जूल्स। तो हमने लिख दिया यहाँ पे गिवन, तो हमने लिख दिया यहाँ पे गिवन मास कितना है 30 kg, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 60 जूल्स, काइनेटिक एनर्जी कितना है 60 जूल्स और वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला है इसका, के इज इक्वल टू 1/2 mv² तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2k/m। k की वैल्यू कितनी है 60 जूल्स तो हो जाएगा 2 × 60/30 तो ये एक बार ये दो बार वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू √4 किसका है वी इज इक्वल टू 2 m/s आ जाएगा इसका आंसर। आई थिंक अगर आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए आपको यहाँ से मैं बता दूँ क्या किया मैंने, 2 × 60/30, 60 क्या है काइनेटिक एनर्जी, 60 जूल्स इसकी काइनेटिक एनर्जी हो तो, और ये हमने फॉर्मूला ये निकाला था 2k/m, तो 30 इसकी मास है तो ये 1 बार ये 2 बार 30 बन जा 30, 32 जा 60, 2 × 2 हो गया तो 4 m नहीं आएगा आंसर, ये आप गलती करोगे पेपर में मुझे लगता है। बीस बढ़ रूट में है तो इसे खा ले तो किसका है 2 का 2 m/s आ जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अब हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं जो कि आपके कुछ जो कि आपके एग्जाम में आएगा। तो अब हम मेथिया फाइंड द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मास 25 kg व्हेन इज एट ए हाइट ऑफ 2 m अबव द ग्राउंड। तो इसमें अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो गिवन जी इज इक्वल टू 10 m/s मास 25 kg, तो यू इज इक्वल टू mgh फॉर्मूला लगाया हमने तो हो जाएगा 25 × 10 × 2 कितना आएगा 25 × 10 = 250 × 2 = 500 joules आ जाएगा आंसर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन द्वारा ना भूलिए ताकि हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।